शासन की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को खाली पड़ी शासकीय भूमि खेती के लिए आवंटित की गई थी और अफसोस की बात है कि अनुसूचित जाति के लोगों को तो वह भूमि नाम के लिए आवंटित हुई है। दबंग गांव के लोग उन जमीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं और वह खेती कर रहे हैं और ग्राम बलखाड़ू में मनीष चौधरी नामक व्यक्ति के दादा को शासन द्वारा ऐसी एक जमीन आवंटित की गई थी। मनीष चौधरी को जो शासकीय भूमि आवंटित हुई है उनके पास भी पाटन वाले नीरज ठाकुर और धीरज ठाकुर का खेत है। साथ ही में मनीष चौधरी का आरोप है कि ठाकुर परिवार ने उनके आवंटित शासकीय भूमि पर कब्जा जमा लिया है। अगर वह लोग वहां खेती करने जाते हैं तो ठाकुर परिवार उनके साथ मारपीट करता है। इसी मारपीट की वजह से मनीष का आरोप है कि उसके दादा की जान जा चुकी है। मनीष ने बताया है कि वह अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहा था, उसी दौरान नीरज ठाकुर और धीरज ठाकुर अपने साथियों के साथ आए और उससे मारपीट करने लगे और उनके ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की गई, गोली भी चलाई गई जो उसे छूते हुए निकल गई। मनीष ने खेतों में बिखरे कारतूस के खोके भी दिखाए हैं। मनीष ने बेलखाड़ू पुलिस पर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रही है और ठाकुरों का साथ दे रही है। इस पूरे मामले में विपक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एडिशनल एसपी ग्रामीण को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस का कहना है कि क्योंकि मामला शासकीय भूमि से जुड़ा है इसलिए जमीन के कागजात मांगे गए हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था? मामला जमीन के विवाद है। मेरी खुद की जमीन है, शासकीय है, उसमें काबिज था, आज भी काबिज हूँ। और नीरज ठाकुर और धीरज ठाकुर ये माल गुजार ग्वाली बारी व्यवस्थित आके कब्जा करते मारपीट करते हैं, कई बार हो चुका और आश्वासन मिलता है तब कोई कार्रवाई नहीं। अभी 22 तारीख की घटना है, अभी तक कोई फायदा नहीं, कुछ हुआ न हमारे मुलाजा हूँ इन लोगों का। किस थाने का मामला है? बेलखाड़ू थाना कटंगी चौकी बेलखाड़ू। और प्रभाजी मंगल सिंह हैं, इतने उठान सब बोलते हैं कि अब वहाँ जाना हमको डर लगता है। कहाँ का मामला है? ये है धीरखेड़ा गाँव का, खेती वहीं का। आपका नाम? मनीष चौधरी। अधीक्षक कार्यालय आए थे जी और इन्हें जब थाने पे सूचना दी थी तत्काल मौके पे डायल 100 पहुँची थी। सरकारी जमीन है, उस जमीन के दस्तावेज मांगे गए हैं और जिस पक्ष के ऊपर इन्हें बताया है कि वहाँ पे इनके ऊपर जो भी घटना हुई है उस पक्ष का कहाँ पे था घटना के समय में, इस संबंध में जाँच की जा रही है। उसके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनकी जांच करके जो भी वैधानिक। सर गोली चलाने वाले अभी भी बेवकूफ घूम रहे हैं सर? बिल्कुल, ऐसा कोई भी घटना मौके पे नहीं हुई ना पाई गई है। डायल 100 गई थी और उसकी विस्तृत रिपोर्ट वहां पे थाने पे डली हुई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।